मूवी स्टार्ट होती है और एक होटल रूम में हमें एक ओल्ड आदमी और एक यंग लड़की को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो आदमी एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर है और उसका नाम है एड। वो लड़की उसकी पीएचडी की स्टूडेंट थी जिसका नाम था एमी। एमी और एड ये दोनों टीचर स्टूडेंट थे। उनके एज में बहुत ज्यादा गैप था पर फिर भी एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते थे। एड फिर अपने काम से चला जाता है। एमी को उसके नेक्स्ट एस्ट्रोफिजिक्स के कॉन्फ्रेंस में मिलने की उससे बात करता है। अब हमें एमी के बारे में इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एमी के बारे में बताया जाता है। हमें पता चलता है कि एमी एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए मूवीज और टीवी शो में स्टंट वुमन का काम करती है जो काफी रिस्की था। एमी को ये पसंद था और इसे वो छोड़ने नहीं वाली थी। अब हमें 6 ईयर पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एड को एमी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख सकते हैं। एमी को एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा रहा था लेकिन एमी को एड का बोलने का तरीका, बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और धीरे धीरे उससे प्यार में पड़ जाती है। स्लोली स्लोली एड भी उससे प्यार करने लग गया था। आगे जाकर फाइनली धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एड ऑलरेडी मैरिड था, उसका एक बेटा और उसकी बेटी भी थी लेकिन फिर भी वो एमी को प्यार करता है। अब ऐसे ही दोनों की रिलेशनशिप काफी समय तक चलती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अचानक से एक दिन एड गायब हो जाता है। एक दिन एमी उसे कॉल करती है और एड उसका कॉल नहीं उठाता और बदले में उसे मैसेज भेजता है। इसके बाद फिर एमी के घर पर एक पार्सल आया जिसमें फ्लावर्स और एक डीवीडी थी। इसे प्ले करने के बाद एड का इसमें उसे वीडियो मिला। एड ने एमी के लिए एक मैसेज छोड़ा था। उसने कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर मर भी जाओ फिर भी तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। एमी इन सब बातों से बहुत इमोशनल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एड ने एक्चुअल में वीडियो भेजा क्यों है। इसके बाद एड का स्ट्रिंग थ्योरी पर कॉन्फ्रेंस होने वाला था। इसके बारे में उसने एमी से भी बात की थी। एड वहां पर आने वाला है। जिस दिन कॉन्फ्रेंस था एमी उस कॉन्फ्रेंस में आती है। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले एमी को एड का मैसेज आता है। उसे कहता है तुम कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली जाओ। एमी को लगता है कि एड मजाक कर रहा है क्योंकि पूरी कॉन्फ्रेंस एड की ही थी। एड का लेक्चर अटेंड करने के लिए सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। इसे मजाक समझकर एमी वहां से नहीं जाती। कॉन्फ्रेंस फिर स्टार्ट होता है और एक आदमी आकर बताता है कि प्रोफेसर एड की डेथ 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी है और इसी वजह से हमारे बीच वो नहीं है। हमें उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। ये सुनकर एमी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी में कॉन्फ्रेंस से बाहर आई और एड को कॉल लगाती है। उसे फिर एक मैसेज आता है जिसे एड ने सेंड किया था। एड कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कॉन्फ्रेंस को अटेंड मत करना। इसके बाद एमी बहुत टेंशन में आ जाती है। एड के बारे में वो गूगल करने लग जाती है। उसे अलग अलग आर्टिकल सर्च करने के बाद पता चलता है कि एड की 1 हफ्ते पहले ही डेथ हो चुकी है। इस बात से वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि अगर एड की डेथ हो चुकी है तो उसे मैसेजेस कौन भेज रहा है। इसका आंसर उसे बहुत जल्दी मिलने वाला था। अब एमी को एड का मैसेज आता है जिसमें उसे उसके घर पर जाने के लिए कहता है। ये आउट ऑफ टाउन था। एमी फिर वहां के लिए निकल जाती है। एमी एड के घर पर पहुंची और वहां पर उसके डॉटर से बात करने की कोशिश करती है। इसके लिए आसान नहीं था इसलिए वो बात नहीं कर पा रही थी लेकिन एड की डॉटर उसे पहचान लेती है। वो कहती है कि तुम तो वही लड़की हो जिसका डैड के साथ अफेयर चल रहा था। इस बात से एमी को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। एमी भी रेड के बारे में काफी कुछ पता चलती है। उसके लॉयर के पास जाती है। लॉयर उसे एक इनवेलप देता है। लॉयर कहता है कि एड ने मरने से पहले बनाया था और कहा था कि ये तुम्हें देना है। अब एमी उसे घर लेकर वापस जाती है। उस इनवेलप में उसे और कुछ डीवीडी मिली जिसे एड ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो में भी रेड एक्सप्लेन करता है कि उसने एमी को इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया। एड एक बीमारी से काफी समय से सफर कर रहा था। उसकी डेथ होने वाली थी और ये बात बताकर वो एमी को दुखी नहीं करना चाहता था इसलिए उसने अकेले ही जाने का फैसला किया। एड ये भी कहता है कि मैंने सारे मैसेजेस और रिकॉर्डिंग पहले ही रिकॉर्ड करके रखे है। टाइम टू टाइम एमी तक ये सब आते रहेंगे। जब तक एमी उसे भुलाकर, उसकी यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ जाती तब तक ये मैसेज उसे आते रहेंगे। अगर एमी मूव ऑन हो जाती है तो 11 बार अपना नाम इस नंबर पर सेंड करते और इसके बाद ये सब मैसेजेस आना बंद हो जाएगा। एक्चुअल में एड को पता था कि एमी उसे बहुत प्यार करती है और एड के जाने के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। उसकी डेथ से उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है इसलिए एड ने पूरा सिस्टम बनाया था। एमी को अपने जाने के बाद भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो मदद करना चाहता था। एड ने एमी के स्टडी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी बनाई थी जो कि उसे आगे पीएचडी में पास करने में मदद कर सके। एमी उसकी सारी बातें सुनती है पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एड की यादों में वो डिप्रेस रहने लग गई। वो ऐसे स्टंट करने लग गए जिससे उसकी जान को खतरा था जैसे कि स्कल्पचर मॉडलिंग। इस वर्क में सफोकेशन के काफी चांसेस थे। एमी को एड के काफी मैसेजेस आते हैं इससे उसे लगता है कि एड कहीं नहीं गया है। अब एक दिन एमी उसी होटल में जाती है जहां पर वो और एड मिला करते थे। वहां की वेट्रेस एमी को एक लेटर देती है इसमें एड का मैसेज था। उसे एक पार्सल भी मिला जिसमें एड का टी शर्ट था। टी शर्ट को पहनकर एमी उसी रूम में एड को याद कर सो जाती है।
धीरे धीरे एमी अपना लाइफ में अच्छा करने लग गई थी। एक दिन उसे फिर से एक मैसेज मिला जिसमें एड एमी को एक जगह जाने के लिए कहता है। वहाँ एक इनवेलोप में एड का मैसेज था। इसमें वो एमी को एक पूरा घर गिफ्ट कर देता है। उसे उसी घर पर जाने के लिए कहता है। अब एमी वहाँ पर गए। एक आदमी एमी को उस घर के पास के नदी पर लेकर जाता है। एमी को कहता है कि एड उसकी बातें किया करता था। एड से मिलने के लिए काफी लोग आते थे लेकिन वो ज्यादा अकेला रहना पसंद करता था। फाइनली एमी उस घर पर पहुंच जाती है जिसे एड ने अब उसे दे दिया था। आज एड का बर्थडे था और वहां पर पहुंचकर एमी को एक लैपटॉप मिलता है जिसमें वो वही रखी हुई डीवीडी डालती है। इसमें एड का और एक मैसेज था। एड वीडियो की स्टार्टिंग में एमी को कहता है कि तुम्हें याद होगा कि आज मेरा बर्थडे है, ये लैपटॉप मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। एड उसे एक कैफे में जाने के लिए कहता है जहाँ वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती है। एड एंड में उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में आगे बढ़ सको। जब तुम्हें लगे कि तुम आगे बढ़ चुकी हो तब अपने नाम से 11 बार इसी नंबर पर मैसेज कर देना। एमी उस कैफे में जाती है जहाँ पर एड ने उसे जाने के लिए कहा था। कैफे का ओनर एमी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है जैसे उसे जानता हो। उसे ऑलरेडी पता था कि एमी वहाँ पर आने वाली है। वहाँ पर एमी एड के बारे में कैफे ओनर से बहुत सारी बातें सुनती है। इसमें उसे पता चलता है कि एड ने अपनी आखिरी टाइम में यही बैठकर बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, काफी सारे वीडियोस रिकॉर्ड की थी। यही लेटर्स और वीडियोस आज एमी को मिल रहे हैं। एंड में उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने अभी अभी एक माउंटेन और रिवर को देखा जिसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसा था, तुम्हें भी ये देखने के लिए जाना चाहिए। अब ये पढ़ने के बाद एमी कैफे से उस नदी के पास जाती है। एक औरत वहां पर एमी को हक करती है और नदी के किनारे पर बैठने के लिए कहती है। एमी वहां पर बैठी हुई थी और माउंटेन का रिफ्लेक्शन नदी पर गिर रहा था। इस रिफ्लेक्शन में एक लड़की की तस्वीर बन रही थी। ये देखकर एमी बहुत खुश हो जाती है कि एड को वो दिख रही थी। वो एक्साइटमेंट में एड को ऐसा मैसेज कर बताने लगती है पर फिर उसे रियलाइज होता है कि एड अब उसके साथ नहीं है। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाती है। एमी घर पर आई तो एड का एक दूसरा पार्सल उसे मिलता है। इसमें उसे और एक डीवीडी मिली। एमी उसे प्ले कर देखती है। वीडियो में एड ने एमी को कहा था कि मुझे तुम्हारा एक सीक्रेट पता है, ये सीक्रेट तुमने मुझे कभी भी बताया नहीं था। एड ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। इस चीज के लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानती हो। इसी गिल्ट की वजह से तुमने अपनी मॉम को भी अपने दूर कर दिया है, तुम उससे बात भी नहीं करती। ये सारी चीजें एड ने मरने से पहले एमी के मॉम से जानी थी। एड एमी को कहता है कि तुम्हें इन सब बातों का गिल्ट नहीं रखना चाहिए, अपने मॉम से जाकर बात करनी चाहिए। ये मैसेज सुनकर एमी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि अपने मॉम के साथ उसका झगड़ा हुआ था। इसी गुस्से में डीवीडी को लैपटॉप से निकाल कर बॉनफायर में डाल देती है। एमी ऐसा कर ऊपर के रूम में चली गई लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत किया। उसे एड की बहुत याद आती है और वो डीवीडी जलते हुए आग से निकाल देती है लेकिन फिर भी वो खराब हो चुकी थी। इससे और एक बड़ी गलती एमी ने कर दी थी। उसने गुस्से में 11 बार अपना नाम टाइप कर एड को मैसेज सेंड कर दिया था। अब उसे एड का कोई भी मैसेज नहीं आएगा। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाती है। अब अगले दिन तक एमी को एड का कोई मैसेज नहीं आता। अब नेक्स्ट डे भी एड का उसे कोई भी मैसेज नहीं आता। इस बात से वो समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उस जले हुए डैमेज डीवीडी को रिपेयर करवाती है पर फिर भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। अब एमी एक कन्फेशन रिकॉर्ड करती है जिसमें पता चलता है कि एमी और उसके डैड एक दिन कहीं जा रहे थे। तब एमी ड्राइव कर रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो एमी कार से बाहर आ गए और उसके डैड कार में ही रह गए। एक्सीडेंट में फिर उनकी डेथ हो गई थी। इसी चीज की वजह से वो खुद को गिल्टी मानती है। अब एमी एड को एड के नाम से 11 बार मैसेज भेजती है ताकि वो वीडियोस और मैसेजेस उसके पास फिर से वापस आ सके लेकिन ऐसा नहीं होता। अब एमी एड की डॉटर से मिलने के लिए जाती है जो एमी को पसंद नहीं करती थी। इसका रीजन एमी को लगता था कि शायद एड अपनी डॉटर को टाइम नहीं दे पा रहा था, वो टाइम एमी के साथ स्पेंड करता था और इसी वजह से शायद एड की डॉटर उसे नाराज होगी। इस पर एड की डॉटर उसे कहती कि ऐसा नहीं था, हमारे फादर हम दोनों ब्रदर सिस्टर से उतना ही प्यार करते थे जितना वो तुमसे करते थे। अब एमी एक डिलीवरी एजेंसी के पास जाती है, उनसे पूछती है क्या एड के नाम से कोई मेरे लिए पार्सल आया। इस पर वो लोग हाँ कहते हैं पर उन्होंने कहा कि अब तक वो पार्सल डिलीवर करने का हमारे पास ऑर्डर नहीं आया। एमी फिर समझ जाती है कि ऑर्डर एड का लॉयर ही उन्हें दे रहा है। एमी इसके बाद लॉयर से मिलने के लिए जाती है, उससे आगे आने वाले सारे पार्सल और लेटर्स को देने के लिए कहती है। लॉयर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि एड ने उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे। लॉयर कहता है कि भले ही अब एड जिंदा ना हो पर उसने जो भी इंस्ट्रक्ट किया था वो सिस्टम वैसे ही चलेगा। जब तक उसे ऑर्डर नहीं मिलता तब तक उसे आगे लेटर नहीं भेज सकता। अब एमी दुखी होकर वहां से जाने लग जाती है। एडम ने लास्ट टाइम में क्या कर रहा था ये उसे पता चलता है। वो क्रैब नेबुला नाम के एक स्पेस इवेंट को देख रहा था। एमी भी उसे देखने के लिए जाती है। तभी वहां पर एड की डॉटर को उसे कॉल आता है, उसे मिलने के लिए बुलाती है। डॉटर ने उसे कहा कि अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं। उसे अपने फादर का प्यार समझ में आया है। आखिर में उसे कैम रिकॉर्डर देती है। ये कैम रिकॉर्डर एड का था
इसे लेकर एमी घर पर आई। एमी ने रिकॉर्डर में चेक किया पर उसे कोई भी वीडियोस या फोटोज नहीं मिलती। अब एमी उसके एक फ्रेंड से मिलती है। उसे बताता है कि एड अपने लास्ट समय में एक सिस्टम बना रहा था जिससे वो हमेशा जिंदा रह सके। ये सब एड का करना उसके फ्रेंड को सही नहीं लगा था, इसी वजह से उसने एड को सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद फिर एमी वापस एड के पेरिस के घर पर आ जाती है। उसे लग रहा था कि शायद एड के वहां पर कोई लेटर्स या फिर उसकी कोई डायरी मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसे वहां पर बोट वाला आदमी एक पर्स देता है जो एक दिन एड के हाथ से गिर गया था। एमी को उसके अंदर कुछ मेमोरी कार्ड्स मिले। एमी ने जब उसे एक्सप्लोर किया तो एड की उसे काफी सारी वीडियोस मिली। ये वही वीडियोस थी जो एड ने एमी के लिए रिकॉर्ड की थी। इसमें कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो वीडियो एड ने वापस रिकॉर्ड की थी। इन वीडियोस में एमी देख पा रही थी कि अपने लास्ट टाइम में एड काफी कमजोर हो गया था। उसे छोटी छोटी चीजें याद नहीं आ रही थी, इतनी मुश्किल में भी वो वीडियोस बना रहा था। इस चीज को देखकर एमी रोने लग जाती है। एमी को रियलाइज होता है कि एड जो चाहता था वही उसे करना चाहिए, अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए। एमी फिर अपने मॉम से काफी सालों बाद मिलती है। वो अपने स्टंट का काम भी फिर से करने लग गई जिससे उसे खुशी मिलती थी। ऐसी एक दिन एमी जब अपने घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर चोरी हो गई है। वो टेंशन में आ जाती है। तब उसे एड की लिखी हुई एक डायरी मिलती है। इसमें एक ब्लैंक पेज पर पेंसिल से लिखने का प्रेशर था। इसे एमी ने पेंसिल से रब कर पढ़ा। उसे पता चलता है मैसेज और लेटर वापस आने के लिए उसे 10 बार एड का नाम टाइप कर सेंड करना है। और कुछ समय बाद एड के मैसेजेस उसे आने लग गए। एमी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। एड के हर एक मैसेज का वीडियो रिप्लाई कर भेज देती है कि एड की बातों से उसने क्या सीखा। अब एमी की मॉम उसे एक लेटर देती है जो एड का ही था। उसमें एमी को उसने एक लाइब्रेरी में जाने के लिए कहा था। वहां पर पहुंचकर एड का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहता है कि उसने कल एक सपना देखा था। इसमें कई दूसरे यंग लड़के एमी के पीछे जा रहे थे। एमी उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं देती। एड को इस बात से रियलाइज हुआ था कि एमी को मूव ऑन करने के लिए किसी और के साथ रहना चाहिए, उसे भी अपने लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए। इसके रिप्लाई में एमी कहती है कि तुम एक इडियट हो, अपने लास्ट समय में तुम्हें वीडियो नहीं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। इसके बाद उसे एड का और एक लेटर आता है। इस लेटर में एड उसे अपनी स्टडी पर ध्यान देने के लिए कहता है। एमी बिल्कुल ऐसा ही करती है। एमी एड ने बनाए हुए स्टडी के वीडियोस को देखती है। उससे अपना पूरा स्टडी का सिलेबस पूरा हो जाता है। एमी अच्छे ग्रेड से पीएचडी पास कर लेती है। एमी अपने अचीवमेंट से बहुत खुश थी और उसे मिलने के लिए एड की डॉटर और उसका ब्रदर भी आता है। इसे एमी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। एमी को एड का मैसेज आता है जिसमें उसने एमी को पीएचडी पास करने की खुशी में गिफ्ट देने का वादा किया था। जब एमी एड के लॉयर से मिलने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि एड ने एमी के नाम पर उसकी इटली का घर कर दिया था। इसके साथ उसके लॉयर ने उसे एक वीडियो टेप भी दी। उस वीडियो में एड ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था क्योंकि अपने लास्ट डेज की ये वीडियोस थी। इसमें एड एमी से प्यार की बातें करता है और आखिरी बार अलविदा कहता है। अब इसके बाद कोई भी एड का दूसरा वीडियो एमी के लिए नहीं बचा था। ये देखकर एमी बहुत इमोशनल हो जाती है। अब एमी फिर से अपने शहर जाती है जहाँ एक स्टैचू का शोकेस चल रहा था। ये स्टैचू एमी के रोने की वजह से खराब हो गया था, फिर भी अच्छा लग रहा था। इसमें मॉडल एमी ही थी। वहां बाहर आकर एमी जॉन से मिलती है। ये वही था जो एड को वीडियोस और लेटर भेजने के लिए मदद कर रहा था। वो एमी को डेट के लिए पूछता है। एमी अपने सपने में जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था ये वही था। एड को एमी के लिए लड़का पसंद था। एमी भी फिर इस बात के लिए हाँ कह देती है। वो भी अपनी लाइफ में अब नई शुरुआत करना चाहती थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।